नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस नए लेसन में। आज का लेसन बड़ा ही मोहब्बत से भरा है। जी हाँ, क्योंकि हम सीखने वाले हैं मोहब्बत थीम म्यूजिक वायलिन पर। तो वो वायलिन की प्यारी सी धुन जो हर वायलिन के स्टूडेंट्स को सीखनी है। तो आइए चलते हैं इस मोहब्बत के सफर में चिन्मय के साथ, लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो अभी पहले क्या है, पहले स्टार्ट करना है प से। प कौन सा प? मोटा वाला तार नहीं, पहला दूसरा तीसरा वाला तार, ठीक है। प मा ग रे ग, ग कोमल आएगा। उस लेसन को अच्छे से देखो जो लास्ट टाइम अपलोड किया था, माइनर स्केल वाला, सावरी ठाट वाला, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। प जिसका ये फिंगर चलता है वो ऐसे भी यूज कर सकता है, प मा ग रे ग, नहीं तो सिंपल लो प मा ग रे ग। और थोड़ा सा जिनको एडवांस सीखना है, थोड़ा आगे का सीखना है और, तो वो इससे प लो। ये म बज रहा है ना, तो मैंने क्या किया, प मीन लिया, प प म ग रे ग, जो बजाए रेफरेंस के लिए सुनना, ठीक है। और ये पूरा एक बो में करना है, बो का भी ध्यान रखना, पूरा एक बो में आएगा, प म ग रे ग, ग कोमल, ठीक है, रे के पास, प म प, या फिर प म प म रे सा ग रे, रे ग म ग म प ध सा नि, आहा, रे ग म, फिर शुद्ध ग, ग म प ध सा नि। यहां तक वापस बता रहा हूं मैं, प म ग रे ग, प म प म रे सा ग रे, रे ग म, ग म प ध सा नि। और इस नी को विब्रेटो कर सकते हो, नी, ठीक है। सुनो अब वो को देखना मेरी, पूरा एक वो में लिया हर लाइन, और लास्ट में विब्रेटो कर दिया, ठीक है। फिर सा सा प म प म ग म रे, मैंने इसको हायर उसमें भी प्ले कर सकते हो इस तार में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर आपको इससे पर बजाना पड़ेगा, तो जिनका प्रैक्टिस नहीं है उनका अजीब सा आवाज आएगा, क्योंकि हल्का सा भी फिंगर पहले रख दिया तो वो तीव्र म का आवाज आएगा। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सा प म प म ग म रे म रे नी, सॉरी म रे सा नी, नी कौन सा मोटे वाले तार पे, कोमल नी, शुद्ध नी नहीं, कोमल नी, ये प ध नी, इसलिए कहता हूं वो वाला एक्सरसाइज अच्छे से करो, सा प म ग म रे म रे सा नी, म ग रे ग सा। वापिस रिपीट करता हूं, सा प म ग म रे म रे सा नी, म ग म ग रे ग सा, ग रे सा रे सा, रे सा नि सा नी, कोमल नी, ग रे सा रे म रे सा, रे सा नि सा नी, प प प मोटा वाला तार, प प प ग ग ग म प रे ग सा, प प प ग ग ग म प रे ग रे सा, ठीक है। इसी को पतले वाले तार पे प्ले करना होगा, तो
सा प म प म ग म रे, म रे सा नी म ग म ग रे ग सा, म ग ग रे सा रे सा, रे सा नी सा नी, वही कोमल नी। प प प ग ग ग म प रे ग रे सा। अब मैं बजा के दिखाता हूँ पहले यहाँ से रेफरेंस के लिए। अब मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, ठीक है। जब कभी कभी जब म इस सॉन्ग में लगता है म, तो उसको ऐसे लो। देखो ये म का पोजीशन है, ये खास बातें बता रहा हूं, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल टिप्स है, ये म को कभी कभी ऐसे लो घसीट के, तो वो फीलिंग आएगा। कैसा फीलिंग आएगा? और अगर घसीटने में दिक्कत हो रही है तो ग से ले लो, गमा गमा। तो सा प म ग म रे म रे सा म, इसको ऐसे घसीटो, नहीं नहीं तो गमा गमा, ठीक है। ऐसे स्वरों को हल्का हल्का घसीट सकते हो, लेकिन 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 सुर का ध्यान रखना, सुर में कंप्रोमाइज मत करना। तो दोस्तों मैंने आपको आज इस लेसन में मोहब्बतें थीम म्यूजिक के जो है स्वर सिखा दिए, कैसे वो को बेसिक यूज करना है वो सिखा दिया, और कुछ अपनी तरफ से टिप्स भी दी है। इन बातों का ध्यान रखना, आराम से सीखना। अगर फास्ट फास्ट लगा है तो वापस करके देख लेना, ठीक है, स्टॉप करके देखना। थोड़ा मुझे भी इसमें अच्छा फायदा रहेगा अपना यूट्यूब ग्रो करने में, अगर आप धैर्यपूर्वक देखोगे तो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा जिसमें वो गिटार का म्यूजिक बजता है, ठीक है। और भी इसको मैं आपको हायर ऑक्टेव में सिखाना बजाना सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये तो अच्छा करो, गुरु जी की बात मानो, ठीक है। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस फुल चल रही है, अभी कोई जगह नहीं है नए एडमिशन के लिए। दिसंबर के एंड से मैं शायद से नया बैच स्टार्ट करूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये तो अच्छा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद और जय भारत। और रुक जाओ दोस्तों, लाइक जरूर करना, कमेंट जितने हो सके लिखना, शेयर भी कर देना आपके दोस्तों को कि भाई सीखो, नहीं सीख रहे तो भी देख लो यार, मेरे तो व्यूज पड़ जाएंगे, ठीक है। नमस्कार।